कैसे हो नरेंद्र जी? बढ़िया यार, तो जा बताऊं। बस बढ़िया। तो सर, जयपुर प्याज मंडी में क्या माहौल बना है सर आज? आज जयपुर मंडी के अंदर, पहले आवक की बात कर लेते हैं। मंडी के अंदर आज 28 से 30 गाड़ियां तो बाहर की गाड़ियां हैं। नहीं, आज भावनगर, अच्छा, महुआ और ये नासिक और उपूना सब मिला के, और 10 से 12 गाड़ियाँ बैलेंस है। अच्छा जी, अच्छा। और 3 से 4 हजार घट्टा लोकल माल है। कुछ चामन है, मथानिया है, अपना कोटा है, सब मिला के 3 से 4 हजार घट्टा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, जैसे भाव की बात करें तो नासिक वाला क्या बिका है सर? नासिक, पूना और भावनगर, अच्छा जी, ये बाजार बिके 18 रुपए से लेकर 23 रुपए तक। 18 से 23 का बाजार। हाँ जी, कोई एक्स्ट्रा VIP हो तो 1-2 लाट बिका, 24 ही बिका है, नहीं उसकी गिनती नहीं है। अच्छा जी, बाजार ज्यादातर बिके 20-21-22 के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ज्यादातर भाव जो बिके हैं 20-21-22। और सर, जैसे सिक्कर वाला प्याज है वो क्या चल रहा है? सिक्कर वाले माल बिके 14 रुपए से 16 रुपए। ठीक है। हाँ जी, और चामन बिका है 15 रुपए से लेकर 18 रुपए तक। बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी। और ये कोटा बिका है आपका 16 रुपए से लेके 21 रुपए तक। कोटा वाला माल बढ़िया है सर, 16 से 21। आप भी आम माल सूखे तो माहौल देखो ना, आप गर्मी कितनी देर पड़ रही है, माल सूखे आ रहे हैं, वो सही भाव बिक रहे हैं। तो सर, आज आवक बहुत ज्यादा हो गई है। आवक तो 2 दिन छुट्टी थी ना, 2 दिन में मंडियों में गाड़ी आती रही, छुट्टियाँ होने का इकट्ठी तो होती है रस्ते में चलती जो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आवक है तो बिक्री भी भरपूर है। जो मंडियों में 10-12 हजार घंटा हुई बिक्री होती थी, आज बिक्री के अनुसार 15-16 हजार घंटा बिकना चाहिए मंडी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, क्या लग रहा है माहौल कैसा रहने वाला है प्याज का अब? माहौल यही रहेगा, 1-2 रुपये ऊपर 1-2 रुपये नीचे। मंडी में आवक ज्यादा हो जाएगी तो 1-2 रुपये कभी नीचे हो जाएगा, मंडी में आवक कम हो जाएगी 1-2 रुपये ऊपर हो जाएगा। बाजार यही स्टेबल रहेंगे 15 से 22 रुपए के। बिल्कुल, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। सर, जैसे जैसे अब सिक्कर वाला अपनी पकड़ बनाएगा, नहीं सिक्कर का माल आने में कम से कम, आप मानो या तो जी, कम से कम 10-15 दिन। अभी आवक नहीं बढ़ेगी, कोई 2-4-5 पिकअप है तो 10 पिकअप हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी अभी। हाँ, 15 दिन के बाद थोड़े माल ज्यादा आने चालू होंगे जब भाव कुछ होंगे। क्योंकि सर, जैसे अगर नासिक और गुजरात की बात करें तो वहाँ का पड़ता नहीं, क्योंकि 4-5 रुपए किराया लग जाता है। जो गाड़ियाँ आज बिक रही है वो ये लगा लो पैसा, व्यापारी का पैसा होना मुश्किल ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज जो 18 से 22 रुपए के बाजार खुले हुए हैं उन भावों में पड़ते नहीं है पीछे, लेकिन आज पीछे बाजार कुछ डाउन बता रहे हैं। पीछे आए बाजार 14 रुपए लेके 17-18 के बाजार है। अच्छा, आज के जो बाजार खुले पीछे बाजार से खुले। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, क्योंकि जैसे जैसे अब फरवरी नजदीक आएगी तो माहौल मुझे लगता है डाउन ही देखने को मिलेगा सर। नहीं, मौसम साफ होगा तो क्वालिटी आएगी तो बाजार नहीं टूटते हैं। क्वालिटी हल्की आती है जब बाजार टूटते हैं, या तो जी बाजार रहेंगे 15 से 20 के बीच में। जनवरी जनवरी फरवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है। हाँ जी, आने वाले समय में आपको सिक्कड़ी क्वालिटी अभी बता रहे हैं, जो पैदावार निकल रही है बहुत बेस्ट निकल रही है, हर सालों के मुताबिक बहुत बढ़िया बेस्ट क्वालिटी निकल रही है सिक्कड़ की। साइज भी अच्छी आ रही है, बड़ी साइज। साइज तो हमेशा बढ़िया ही निकलती है, लेकिन वहाँ पे कच्चा प्याज ज्यादा होता है। इस समय ये मौसम जो साफ सुथरा गांव निकला हुआ है, इससे क्या सूखा माल आएंगे और भाव से ही बिकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बाजार में टूटत तो मेरे को कहीं दिख नहीं रही, और आगे भविष्य क्या बता सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी तो बाजार नीचे आने की उम्मीद कम ही दिख रही है, बाजार यही चलेंगे 15 से 20 यही चलने वाले, 15 से 20-22 के बाजार में रहेंगे। तो जैसे 15 से 20-22 का बाजार रहेगा तो मेरे हिसाब से इस बाजार में किसानों को भी इतना नुकसान नहीं होगा सर। किसानों को नुकसान नहीं है तो फायदा भी नहीं है किसानों को। बिल्कुल। इन भावों में पैसा भी नहीं होता, किसानों को कुछ मिलता भी नहीं है जी। क्योंकि नहीं सर, जैसे अब ये जो इसको गर्मी वाला प्याज कह सकते हैं जो 1 महीने बाद आएगा, नहीं गर्मी ये अगेती फसल है भाई साहब। अच्छा, ये अगेती वाले जो अपने सिक्का कुचामना भी आ रही है वो अगेती फसल है, जाड़े की फसल है। अच्छा, और जो गर्मियों की प्याज आएगी कम से कम 1.5 महीने बाद आएगी, मार्च में लगभग आती है। हाँ, मार्च के शुरुआत में। बिल्कुल बिल्कुल। फरवरी के एंड में, मार्च के शुरुआत में वो 75 फसल आ जाएगी गर्मियों की, तो उस दौरान भाव डाउन आ जाता है सर। हाँ, उस समय आवक भी हर तरफ ही निकल जाएगी। आप देखोगे तो हर तरफ की फसल आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। फसल तैयार है और आवक हर तरफ की आ रही है, और माल बिक भी रहे। जिसके माल बढ़िया है वो बढ़िया भाव बिक जाए, जिसके 19-20 है उसका 1-2 रुपये डाउन बिक जाता है। बिल्कुल सर, MP का भी कुछ माल देखने को मिल रहा है कुछ? MP का मंडी के अंदर तो भाई साहब मेरे ख्याल से नहीं है, बहुत कम आ रहा है। कोई हो तो 1-2 पिकअप वगैरह या कोई कंटर वगैरह आ जाए तो कह नहीं सकता, नहीं तो बाहरी गाड़ियाँ भी तो जो माल आ रहे हैं महुआ, भावनगर, नासिक, अपने नगर वाले माल, ये ज्यादा माल आ रहे हैं, और ये माल जैसे क्वालिटी है वैसे भाव है। बिल्कुल। सुपर बिल्कुल। माल बिक रहे 23-24 रुपए के, और एवरेज माल बिक रहा 20-21-22। बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी। चलो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 878-88-71-652, नाम नरेंद्र, वेदी फूड एंड कंपनी, A6 मोहरा, जयपुर।
किसी भाई को भी अगर प्याज लाना है तो यहाँ हमारी मंडी के अंदर जो भी टैक्स लिया जाता है वो सामने वाले से लिया जाता है, यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है, किसान का जो बिकेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो खरीदता है व्यापारी उसी पे टैक्स लगता है, सामने वाले जो गाय खरीदता है उस पे टैक्स लगता है, किसान पे ओनली 5.5 रुपए कट्टे की मजदूरी लगती है और किसान से कुछ नहीं करता, ना व्यापारी ना किसान, पर कट्टे के ऊपर 5.5 रुपए 5.5 रुपए कट्टे की मजदूरी लगती है, उसे हमाली कह लो या मजदूरी कह लो, बिल्कुल हाँ जी वो लगता है और कुछ नहीं कटेगा, कोई व्यापारी को कॉन्टेक्ट करे और माल लाए और बेचे अपना पैसा तुरंत, जैसे आज माल बिका आपको माल जिस दिन बिके उसी दिन पेमेंट दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो जी सर, धन्यवाद सर आपका। ओके सर।